बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए बिहार में बढ़ते मामलों को लेकर और किसानों की परेशानियों को लेकर कई सवाल दागे हैं। पूर्व सरपंच निवास चंद्र यादव हत्या के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? अरे तो शांत रहिए भाई, शांत होइए ना भैया। सर पूर्व सरपंच की हत्या हो गई, हमारे बारे में क्या कहेंगे? बोला जाए सर। अल्लाह बंद करो, अल्लाह बंद कीजिए थोड़ा सर, फोन बंद कीजिए, आगे से मिलेंगे। 71 दिन लगातार देश भर के मजदूरों बिहार और बिहार के अन्य प्रदेशों में सरकार ने जब कोई गाड़ी नहीं दी तो मुझे ट्रेन करना पड़ा। हम लॉकडाउन के समय लगातार यह सवाल खड़ा करते रहे कि 6 दर्जन से ज्यादा हत्याएं बिहार में लॉकडाउन के समय में हुई, राजनीतिक हत्या से लेकर के व्यक्तिगत रंजिश का लगातार घटना का। आज हम लगभग 6 हत्याओं के बाद हम यहां आए, 71 दिनों के बाद हम पटना पहुंचे। लगातार मजदूरों का वो पहुंचाना, उसके जीवन का खाना पहुंचाना, लगभग 7.5 लाख लोगों को दिल्ली में और दिल्ली के बगल में राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। मैंने अपने आंखों से लाश ही लाश देखे हैं, चाहे वो लाश सड़कों पर देखा हो, चाहे वो लाश ट्रेन में देखे हो, चाहे वो लाश क्वारंटाइन सेंटर में देखा हो, चाहे वो लाश अपनों को खो करके मुन्ना को देखा हो। हमें परसों इसकी जानकारी, जब हम गुड़गांव और पानीपत से एक आत्महत्या कर लिया था बिहार का मजदूर लौट रहे थे, तो मेरे फेसबुक पर परसों इस मुन्ना जी का फोटो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने भेजा। अब मैं दुविधा में हम पड़ गए कि क्या सही में मुन्ना है कि कोई और है। मुन्ना के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम अवाक हो गए। हमें कल ही आना था इस घटना में, लेकिन चुकी कल उतरते ही हम कई नरसंहार हुए थे वहां चले गए। आज सीधा पटना मोकामा और कई घटना के बाद हम लौवा लगाम पहुंचे। इस मुन्ना से पारिवारिक रिलेशन भी, व्यक्तिगत रिलेशन भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मुन्ना जी जो सरपंच थे और शायद उनको किसी से आज तक मैं तुम भी होने वाला वो व्यक्ति नहीं था, दिल का इतना साफ व्यक्ति, और ऐसे व्यक्तियों को इस तरीके से बच्चों के सामने निर्सम हत्या करना। एक तो यह इलाका, मैं बार बार कहता हूँ कि यह जो हमारा आलमनगर चौसा का इलाका है, नौगछिया इस साइड का, ये कंप्लीट रूप से अपराधियों के चंगुल में है, माफियाओं के चंगुल में है। डर का वातावरण लगभग लोगों को बना हुआ रहता है। यह घटना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है। हम इस घटना को डीजीपी से बातचीत किए हैं, परसों 4 तारीख को हम आईजी हेडक्वार्टर से मिलेंगे। अविलंब चार्जशीट के साथ 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल का मेरा डिमांड है कि 3 महीने के अंदर इसकी सुनवाई हो करके सजा हो, एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार की पूरी सुरक्षा। हम तो डिमांड लगातार करते रहे हैं कि उदा किशनगंज अनुमंडल जो अपराधियों के चंगुल में, जो कंप्लीट रूप से अपराधी यहां के नेक्सस है पदाधिकारियों के द्वारा, एक नहीं कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी, कई पूर्व जनप्रतिनिधि की हत्या हो चुकी है उदा किशनगंज अनुमंडल में, और अपराधी मजे में बैकॉप घूमता भी है,
और फिर वही अपराधी हत्या करके जेल से लोगों से पैसा भी वसूलता है। अब पुरैनी बाजार से पैसा वसूलना, हत्या करके जाना और फिर पुरैनी बाजार के व्यापारियों को टारगेट करना, चूंकि अभी पूरे देश के मजदूरों की जिम्मेदारी मेरे पर है, मेरे पिताजी काफी सीरियस है, अटैक उनको हुआ है, मुझे उनको भी देखते हुए, फिर चूंकि कटिहार में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, सुबह मुझे वहां निकलना है, लेकिन यह घटना मेरे लिए चैलेंज है और व्यक्तिगत मुझको क्षति भी हुई है और कष्ट भी पहुंचा है। हम इस हत्या को कमजोर होने नहीं देंगे, इस परिवार की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी होगी, हम कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेरे लिए चैलेंज है, अपराधी जिसके संरक्षण में हो और जितनी बड़ी मौत हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब इसके सुशासन बाबू की ओर देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। एक तो मेरा पॉलिटिशियन के बारे में साफ राय है, मैं पहले भी कहता था कि व्यवस्था और सिस्टम इस पॉलिटिशियन ने समाप्त कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, 300 मौत हुई है इस कोरोना वायरस के बाद भूख से, 183 लोगों की मौत सिर्फ बिहार से हुई, 80 लोग ट्रेन में मरे हैं, जिसमें आपको आश्चर्य होगा 72 लोग बिहार के हैं। इसमें दोषी सर किसको मानेंगे भैया? दोषी किसको मानेंगे? जो हत्यारा है उसको मानेंगे, और हत्यारा के साथ साथ जब पहले से भी इन पर कई बार घटना घटित हुई है और लोगों को इस बात की जानकारी है, एक लोकप्रिय सरपंच के साथ एक लोकप्रिय व्यक्ति भी वो थे। कोई ऐसा समाज के जाति धर्म मजहब के लोग नहीं होंगे जिनको जिनसे उनका पारिवारिक रिलेशन ना हो, इसलिए हत्या मेरे लिए चैलेंज है। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको 3 महीने के अंदर इस हत्या का निराकरण निकलेगा। जरूरत होगी तो जब मैं दिल्ली में पूरी सरकार से चैलेंज ले सकता हूं, मुझ पर 7 केस किए गए लॉकडाउन नियम को तोड़ने में। तुम भूखा रखोगे और पप्पू यादव को आंख भी दिखाओगे, तुम मजदूरों को मारोगे भी और पप्पू यादव को आंख भी दिखाओगे, तुम मजदूरों को अहमदाबाद, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से सड़कों पर मरने छोड़ भी दोगे और पप्पू यादव को आंख भी दिखाओगे, और उसके बाद हत्या के सवाल पर जब पप्पू यादव आएगा तो फिर आप एक चिट्ठी भेज देगा हमको कि आप बिहार में कहीं नहीं जा सकते। कल हमको पटना कलेक्टर ने कहा कि आपको बिहार में कहीं नहीं जाना, हमने कहा क्या मैं अपने व्यक्तिगत मुझको चिट्ठी देना पड़ा कि मुन्ना जी सरपंच मेरे रिश्तेदार हैं, उसके बाद मैं अपने फादर से मिलने जाऊंगा, तब मुझे इजाजत मिली आने। कलेक्टर का चिट्ठी है कि आप सिर्फ यहां रह के कोई कार्यक्रम बात करिए, आप किसी सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाए। तो इस तरह की धमकी दिल्ली में भी, मतलब आप हर आवाज को दबाइएगा, तो इसीलिए ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ये हत्या को मैं चुनौती में लिया हूं और मैं आपको इसका निराकरण बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसमें इतना बड़ा हत्यारा हो उसको सजा होगी और अविलंब। इस परिवार की उस बच्ची की शादी की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी, आप उसकी जिम्मेदारी, बेटियों की जिम्मेदारी, जब मैं देश की जिम्मेदारी, पहला व्यक्ति होगा दुनिया में पप्पू यादव 22,000 मजदूरों के अकाउंट में 2,68,00,000 रुपया पप्पू यादव ने अपने अकाउंट से 71 दिन में डाला, 30,000 मजदूरों को बाय हैंड हमने दिल्ली में बाय हैंड पैसा दी, 7,50,000 लोगों को 2 महीने का राशन मैंने अपने हाथ से पहुंचाया साइकिल पर चल के। तो जब मैं पूरे देश की जिम्मेदारी ले सकता हूं, ये तो मेरा परिवार है, इसकी पूरी बच्ची की जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। ये मैं